गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं हूँ अपने जो टेरेस की क्लीनिंग है, मैं मायके में हूँ और यहाँ का जो टेरेस है, बारिशें हुई थी पिछले पूरे हफ्ते, तो पत्ते वगैरह यहाँ वहाँ गिर चुके थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग ने सोचा कि पूरा जो है ये क्लीन कर लेते हैं। तो बहुत ही गंदा हो गया था छत, तो हम उसकी सफाई करने में लगे हैं। तो आज छत की पूरी डीप क्लीनिंग ज़रूरी है और तो हम वही काम में जुट गए हैं पूरा। तो मेरी जो सिस्टर है वो मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है चीज़ें हटाने में। मैं पूरा जो है झाड़ वगैरह रही हूँ, यहाँ पे जो पिलर्स वगैरह हैं उसके साइड में जो पत्ते वगैरह अटके हुए हैं वो क्लीन कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे जो हमने प्लांट्स रखे हैं उनकी भी क्लीनिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ वेस्ट चीज़ें हमने छत पे रख रखी हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रही फ़िलहाल, तो उसके नीचे भी इस तरह से गंदगी पूरी जम चुकी है, सूखे पत्ते वगैरह, क्योंकि बहुत हवा चली थी तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। वरना ये सारी चीज़ें पाइप वगैरह में चले जाते हैं और यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बारिश का पानी अगर आए भर जाता है छत तो फिर ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए इसकी सफाई ज़रूरी होती है। तो मेरी जो सिस्टर हैं वो थोड़ा सा मेरा हेल्प कर रही थी कि गमले वगैरह हटाने के, तो मैंने भी हटा दिए थोड़े से, और वहाँ उसके नीचे जो भी सूखे पत्ते वगैरह मिट्टी है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, और कुछ स्टूल्स वगैरह भी टूट चुके थे उनको भी हम इकट्ठा करेंगे और फिर उसको हम फेंक देंगे, क्योंकि अभी उसका कोई यूज़ नहीं है, तो अच्छी तरह से छत क्लीन हो जाएगा। और देखिए डस्ट भी बहुत जम चुका है, और मैं सोच रही कि प्लांट्स को भी थोड़ा अलग टाइप से रख लूँ, क्योंकि ऐसे बिखरे बिखरे रखे हैं, तो पूरा मैं सर्कल्स में रखने की सोच रही हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक एक गमला निकाल के जितनी भी गंदगी वहाँ जमी हुई है, क्योंकि वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को तो जम जाती है मिट्टी और जो उसके सूखे ड्राई लीव्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, तो उसको हमको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो एक एक गमला करके इतने सारे पौधे हो गए ऊपर कि अभी थोड़ा सा इसको मेंटेन करना ही पड़ता है, वरना अच्छा नहीं लगता। और अभी है ठंडियों का सीज़न, तो हमेशा घर को क्लीन रखना चाहिए हमको, ताकि वो जो डस्ट एलर्जीज़ वगैरह ना आए, और हमारा घर आंगन और छत भी क्लीन करना ज़रूरी होता है और साफ़ रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स लगा रही हूँ पूरे, मतलब एक एक तरफ के निकाल के, तो एक एक साइड से मैं पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि मुझे हैवी काम ना लगे ये सारा। तो जैसे ही थोड़ा कंप्लीट हो जा रहा था थोड़ी रेस्ट ले लेती थी, तो ये पूरा काम करने मुझे 2 आवर्स लगे फ्रेंड्स। तो देखते रहिए वीडियो को आगे तक। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी सी प्लांट्स की सेटिंग मैंने कर ली है यहाँ पे, और जो गुलाब हैं पे गुलाब के पौधे एक साइड रखे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दूसरे टाइप के वो एक साइड इस तरह से मतलब सर्कल्स में रख लिए हैं। और अब है ये कचरा उठाने की बारी, तो
तो देख रही हूँ किसमें उठाऊँ, तो मुझे यहाँ पे कोने में मम्मी ने एक गमला रखा था जो यूज़ नहीं कर रहे, वो ले लिया और उसमें मैं भर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो कचरा है वो मैं नीचे रख दूँगी, और जो वेस्ट है वो नीचे रख दूँगी, और जो मिट्टी जमा हुई है वो नीचे के पौधों में डाल लेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए, कचरा पूरा जो सूखे हुए पौधे वगैरह मैंने इस वाले में डाल लिए और इस तरह से रख दिए हैं जगह जगह सर्कल्स में। और अभी मैं भरूंगी पानी, और पौधे बहुत सूखे हुए हैं, मैं उनको वाटरिंग करूंगी, फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना भूल जाते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।